और चैनल प्रिया की राधा हो एंड हैप्पी वैलेंटाइन डे टू ऑल। तो गाइस, आज का घर तो मैं खुद को ही पहचान पे नहीं आ रहा है मेरा घर, क्योंकि कल रात से प्रिया ने बहुत ही मेहनत से डेकोरेशन किया है पूरे घर को, और ये कैनोपी बनाया है। तो जो जो फ्रेंड्स वो वाला ब्लॉग नहीं देखे वो ज़रूर देखे कि प्रिया ने कैसे डेकोरेशन किया। हाँ, आज तो बहुत इम्प्रेस हूँ। इम्प्रेस तो शुरू से ही हूँ, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस हो गया है। इतना अच्छा जो किया मेरे लिए डेकोरेशन। तो प्रिया को तो गिफ्ट देना ही होगा, मैं तो इम्प्रेस हो गया हूँ ना, तो इसलिए चलते चलते उसको कुछ गिफ्ट दे ही देता हूँ। एक्चुअली मैंने जो उसके लिए गिफ्ट लाया है वो खुद से ही पैकिंग किया है इस बार, तो पैकिंग थोड़ा ख़राब है, इतना आता नहीं, इसीलिए तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। फिलहाल जाते हैं वहाँ। आज तो दोनों ने कपड़े तो पहन लिया है, उसको भी पहन के मैं बोल के वहाँ पे बैठो, हमारे फ्रेंड्स लोगों से बात करके। तो देखते हैं आज वैलेंटाइन डे में क्या कर सकते हैं। घर का दे माहौल देखकर तो मैं तो शायद आज घर में ही रहूँगा, कहीं जाऊँगा नहीं। फिर भी प्रिया को पूछ लेते कि वो क्या करना चाहती है वैलेंटाइन डे पे। ठीक है, तो चलिए जाते हैं प्रिया के पास। हाँ, क्या रोमांटिक फील हो रहा है, चारों तरफ बिलून ही बिलून। हाँ, और ये मैं आ गया, टन टना। ये देखिए, ये इस घर में भी बिलून से एकदम भर दिया है। हाँ, रेड बिलून से भर गया है, हम तो लाल लाल हो गए। हैप्पी वैलेंटाइन डे सबको। तो क्या तुम क्या करने वाले हो आज? क्या करने वाले? फिलहाल तो राजा जी का बिल्टअप पहन के विदा दिए, और जो रोमांस जो है एकदम भर भर के है। आज सुबह जल्दी उठे दोनों। मैं तो देख से होता हूँ, लेकिन आज मैं जल्दी खुद बहुत पता नहीं घर ऐसे। हाँ, राजा जी आज जल्दी जल्दी उठ गए हैं और दिखाया रूम। हाँ, रूम थोड़ा बहुत दिखा लिए। और जो डेकोरेशन वाला ब्लॉग तुमने डाला है वहाँ पे तो पूरा घर का जो है वीडियो डाल ही दिया है। हाँ गाइस, जिसने अभी तक हमारे वो डेकोरेशन वाला वीडियो, हाँ देखना देखना, बहुत मेहनत लगा है। हाँ, वो वाला ब्लॉग जरूर देख लेना आप लोग, कैसा लगा जरूर बताना कमेंट बॉक्स पे। हाँ तो फिलहाल तुमको तो मैं तो अभी वेट ही नहीं कर पा, तुमको जो है गिफ्ट देने के लिए मैं एकदम हो गए। हाँ, गिफ्ट लाए, गिफ्ट लाए। अच्छा, तो जल्दी से दो गिफ्ट। हाँ, फिलहाल जो है सुबह सुबह ही देने वाले हो। हाँ, सुबह सुबह। फिलहाल ये जो है रोज ले लो मेरे तरफ से, वैलेंटाइन डे। थैंक यू। हाँ, मेरा वैलेंटाइन हो तुम। हाँ, और गिफ्ट जो है खुद से पैकिंग किया है, इसलिए पता नहीं कैसा होगा, मैं लाता हूँ थोड़ी देर में। ये देखो राजा जी ने क्या दिया है, हम सबको दिखा रहे हैं। आई लव यू राजा जी। हाँ, ये रोज है, लॉलीपॉप है। तो कल जो है आया था तो देखा कि एक दुकान में लॉलीपॉप ऐसे सजा के रखा है, तो मैंने कहा ठीक है लेकर जाते हैं। पूरा रोज देखो रोज। हाँ, ऐसा लग रहा है क्रिस्टल वाला रोज। हाँ, बाप रे, लो ये रोज तुम्हारे लिए। थैंक यू पेरेंट के लिए। मुझे खाना है, देखो मेरे रोज आ गए हैं वैलेंटाइन डे के। हाँ, रोज आ गया, अभी गिफ्ट भी आएगा। और आज का प्लानिंग क्या है, क्या करने वाले हो कुछ? मैं तो सोच रहा हूँ घर में ही रहूँ, इतना अच्छा जो अभी घर का माहौल है। अभी ब्रेकफास्ट करना है सबसे। हाँ, पहले ब्रेकफास्ट करना है। हाँ, एक्चुअली क्या है, सुबह सुबह उठ के हम लोग गए रेडी होके, मतलब थोड़ा रोमांस कर रहे थे रेडी होके। क्या रोमांस कर रहे थे? बोल रहे कौन सा रोमांस किया तुमने? थोड़ा बहुत वैलेंटाइन डे है ना, कुछ खाना ही नहीं खाया सुबह जो है, चाय नाश्ता कुछ नहीं खाए सदे। बस सुबह हुए, हम फ्रेश हुए और तैयार हो गई, देख ही सकते हो। तो तैयार होने के बाद अभी ये खाना खाना है, मुझे तो बहुत भूख लग गए है, तो कुछ खाना है। ब्रेकफास्ट उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है, तो चलो जी, अभी क्या करना है? अभी आपको गिफ्ट देंगे हम। गिफ्ट हम और वेट नहीं करेंगे, अभी दे देंगे। ठीक है, क्यों जी, इतना इम्प्रेस? हाँ, पूरा इम्प्रेस। मुझे लगा रात को देंगे और भी थोड़ा ये होगा, रात को ज़्यादा रोमांस और ज़्यादा बढ़ जाता है ना, मुझे लगा मैं तब दूंगा। हाँ, लेकिन अब तो वेट नहीं कर पा रहे ना। देखो तो, कितना क्यूट रोज है एकदम। हाँ, बहुत सुंदर लग रहा है ना।
ठीक है मेरा गिफ्ट लाओ जल्दी से जाके, हाँ दिखाओ गिफ्ट। राजा जी तो मुझ पे एकदम फुल टू इम्प्रेस हो गए हैं शायद, क्योंकि अभी अभी गिफ्ट देना चाहते हैं। मतलब मैंने तो सोचा कि ब्रेकफास्ट करने के बाद या फिर बाद में देंगे, अभी देने के लिए मतलब उतावला हो रहे हैं। देखते हैं क्या गिफ्ट लाते हैं। बहुत हो गया, लाके भी आ गए, लेकर आए लेकर आए। ये देखो हैप्पी वैलेंटाइन डे ये वाला गिफ्ट। ये क्या जाम्बू पैकिंग लग रहा है। जाम्बू, जाम्बू गर्ल के लिए जाम्बू पैकिंग। जाम्बू गर्ल, पहले तुम पहले तुम बोलो पैकिंग कैसा रहा मेरा। तुमने पैकिंग किया? यस। पैकिंग तो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन बाप रे क्या लाए राजा जी। खोल के देखो क्या लाए है। जो भी लाए है सब एक साथ पैक कर दिए। फ्रेंड्स वैलेंटाइन डे का देखो गिफ्ट दिया है, अभी खोल के देखते हैं क्या दिए है राजा जी। तो राजा जी आई लव यू। इतना बार आई लव यू बोलो। आई लव यू सुन सुनते आज तो बस हो जाएंगे अभी जल्दी। नहीं गिफ्ट दिए हो इसलिए, और एक बार आई लव यू बोल दिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है गिफ्ट मिलते हैं, मुझे इतना खुशी हो जाता है। खोलो जल्दी से गिफ्ट। हाँ खोलो खोलो खोलो। हाँ क्या गिफ्ट है राजा जी खुद देखो। हाँ मेरे फेसबुक दिख पा रहे हैं ठीक ठाक? हाँ थोड़ा। हाँ ठीक है, अभी आप दिखा रहे हैं राजा जी ने क्या गिफ्ट दिए है। राजा जी मैंने तो तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया। तुमने इतना अच्छा घर का डेकोरेशन किया, वो क्या कम है उसके आगे ये सब कुछ नहीं। आज तो पूरा दिन घर में खेलेंगे कूदेंगे दौड़ेंगे भागेंगे रील्स बनाएंगे ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ राजा जी आप थोड़ा सा इधर आओ। हाँ ये लो ये मेरा गिफ्ट है। ये मेरा तो पूरा हार्ट है तुम्हारा। हाँ ये लो राजा जी यही गिफ्ट है। चिपक लेते हैं आप। तो मैंने राजा जी को गिफ्ट दे दिया ठीक है, अभी ये मत बोलना कि गिफ्ट नहीं दिया। नहीं मैं कब बोला, तुमने इतना अच्छे तरह से घर का माहौल को रेडी किया है। हाँ इतना एनर्जेटिक फील हो रहा है मुझे कि क्या बताए। हाँ सच में। क्या गिफ्ट है राजा जी? है कुछ छोटा मोटा कुछ ही है लेकिन बाप रे सबको एक साथ चेक किया है जी। अब एक साथ क्या दिए हो? कैमरा को दिखाओ राजा जी। तुम ऊपर ऊपर करके दिखाओ ना। कितना कुछ दिए हैं राजा जी ने देखो। ये तो आप लोग तुम्हारा ये सामान है ठीक है। मैं उठा उठा के दिखा रही हूँ। हाँ उठा उठा के दिखाओ। बाप रे सब तुम्हारा ये सामान है इसीलिए एक ही साथ पैक कर दिया मैंने। ये सब मेरा? हाँ मेरा भी है। तुम पहले ढूंढो तुम्हारा कौन सा है उसके बाद ढूंढते ढूंढते मेरा भी मिल जाएगा। फ्रेंड्स राजा जी ने मुझे बहुत कुछ दिए हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये पूरा थैली मैंने खोला आप लोग तो नहीं देख पा रहे हो और कैमरे को ऐसे ही रखने देते हैं। मैं एक एक करके उठा के आप सबको दिखा रही हूँ ठीक है। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ, यही से स्टार्ट करते हैं। यही वाला मेरे हाथ में आया है अभी, पता नहीं इसके अंदर क्या है। देख के देती हूँ दिखा देती हूँ। ब्लैक कलर तो मुझे बहुत पसंद आता है। ये क्या है ब्लैक कलर में देखो। लगा देती दिखाने में आसानी होगी। फ्रेंड्स ये तो एक ब्लाउज लग रहा है ठीक है। एक ब्लाउज है पीछे देखो एक डिजाइन किया हुआ है मतलब ऐसा ठीक है। ब्लाउज तो देख के मुझे अच्छा लग रहा है बहुत। मुझे तो शायद अच्छा लगेगा बहुत। क्यों नहीं लगेगा, ऐसी ये ब्लाउज पहनोगी तो एकदम दूसरे चमक जाएगा तुम्हारा। हाँ
ब्लाउज दिए हो मतलब साड़ी दिए हो शायद। एकदम ब्लाउज दिए है मतलब साड़ी है, बहुत क्लियर बन गई हो। हाँ नहीं नहीं राजा जी, मतलब ब्लाउज दिए है मतलब मुझे साड़ी देने वाले है ऐसा लग रहा है राजा जी। हाँ मुझे तो बहुत पसंद आया ये ब्लाउज। अभी मतलब क्या ये रात को पहनने? हाँ रात को पहनने के लिए रोमांटिक जो है हम लोगों को लगेगा। फिर फ्रेंड्स देखो ब्लाउज मुझे बेहद पसंद आ गया ब्लाउज, वापरे ठीक है नेक्स्ट वाला दिखाते हैं। आज जो खाना दोगे ना रात को ये ब्लाउज पहनकर, ये साड़ी के संग ब्लाउज पहनकर खाना परोसना ठीक है रात को। हो गया ब्लाउज दिखा दिया। अभी अभी क्या आया है, अभी क्या आया है, एक रेड कलर का रेड कलर का क्या है राजा जी, एक फीता दिखाई दे रहा है। और ये तो ड्रेस है राजा जी, मुझे क्या मालूम क्या है तुम देखो पहले। ये तो ड्रेस लग रहा है, तो ब्लाउज दिए हो? ब्लाउज जो है सिर्फ ब्लाउज पहनने के लिए ब्लाउज दिए है, अब ब्लाउज दे रहे इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसके साथ साड़ी भी दे। मैंने तो सोचा तुम साड़ी दिए हो, ब्लाउज ब्लाउज ऐसे ही पहनने के लिए दिए है, ब्लाउज पहन के रखना। नहीं ड्रेस दिए हो तो ब्लाउज क्यों दिए दिए। ये देखो ये एक रेड वाला ड्रेस है। अभी वैलेंटाइन डे तो रेड ही चलेगा इसीलिए रेड। हाँ रेड कलर पे ड्रेस दिए है देखो। ये पूरा लॉन्ग टाइप का है ना राजा जी, लॉन्ग टाइप का ड्रेस दिए है ठीक है। अभी तो पहनने के बाद ही आप लोग देख पाओगे, वैसे तो मैं दिखा दे रही हूँ। ये कुछ इस तरह से है के? कुछ इस टाइप का है रेड वाला रेड ड्रेस दिए है, और इसके साथ शायद ये पहनने के लिए है राजा जी, पता नहीं वो तो साथ में ही दिया। हाँ होगा शायद वाला दिए है ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कमर में जो बेल बेल होता है ना ऐसा टाइप का कुछ होगा। हाँ अभी अभी तो आ गया सब कुछ दे दिया क्या? ये तो पेटीकोट है। हाँ ये मतलब ये ब्लैक वाला जो ब्लाउज है उसके संग नीचे में तो कुछ पहनना पड़ेगा इसलिए। हाँ ये तो मतलब तुमने साड़ी शायद दिए हो, इतना कुछ दे रहे हो। साड़ी नहीं है, साड़ी पर कर देते होगा ड्रेस तो दे दिए। तो ये पेटीकोट दिए है एक। हाँ देखते हैं इसके साथ कुछ दिए है शायद, नहीं तो ये वाला क्यों देंगे, इसके साथ ब्लाउज भी दिए है, ब्लाउज के संग पहनने के लिए दिए। अभी फ्रेंड्स कुछ मेरे हाथ में लगा है, ये एक शर्ट है। हाँ शर्ट ये वाला एक शर्ट है। ये तो मेरे राजा जी ने राजा जी आपके लिए खुद ही खरीद लिए। अब क्या तुम इतना जो रेड पहनोगे तो मैं क्या ब्लैक पहन कर रहूँगा, इसलिए मैंने भी एक ठो रेड शर्ट ले लिया है। ये राजा जी का एक शर्ट प्रिंटेड शर्ट है, बहुत अच्छा लगा मुझे तो, बहुत पसंद आ गया राजा जी। अच्छा हाँ कलरफुल ये है कि तो मन को भी कलरफुल बनाना पड़ेगा ना। अरे इसके साथ मैच मैच किया हुआ राजा जी ने एक प्रिंटेड शर्ट ली है ठीक है। देख प्रिंटेड शर्ट राजा जी का आ गया हाथ में। ये देखो मैंने बोली ना ब्लाउज दिए हो, पेटीकोट भी दिए हो, अभी एक ड्रेस भी दे दिए, और अभी ये साड़ी कब पहनूंगी राजा जी। अभी से वैलेंटाइन का तो मॉर्निंग तो हो ही गया है। मॉर्निंग तो हो गया है, अभी तुम रात को पहना और क्या, शाम को एक पहन लेना फिर रात को एक पहन लेना, हो जाएगा। फ्रेंड्स राजा जी मुझे एक साड़ी दिए है, देखो हम दिखा रहे हैं साड़ी को, रेड कलर साड़ी। ये देखो इसमें ब्लाउज पीस था राजा जी, ये बाद में बनाना पड़ेगा शायद ठीक है। अच्छा ही हुआ वो ब्लैक वाला मुझे ज़्यादा पसंद आ गया वो वाला।
ऊपर साड़ी दिखा दे रहे हैं, ये देखिए पूरा नेट वाला साड़ी दिए है दादा जी ने, एकदम नेट वाला साड़ी दिखा रहे हैं। ये देखो चाचा जी, आज तो आप मुझे पहचान ही नहीं पाओगे लग रहा है मुझे। आज हीरोइन मफिक लगोगी ये सब पहन के। हाँ सोचो ब्लैक वाला ब्लाउज के साथ। मैंने सो तो पहले से थिंक कर लिया है, इसलिए तो कॉम्बिनेशन जो है ऐसे मैच किया। ऐसे लगी आज तो हीरोइन मफिक लगोगी। हाँ ऐसे बैलून के साथ हम खेलेंगे, साड़ी के साथ बैलून के साथ। सोचो ब्लैक वाला ब्लाउज के साथ मैं कैसी दिखूंगी, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ तो फिर फ्रेंड्स देखो मैं तो अभी से ही सोचने लगी हो गई है। हाँ तो ये वाला साड़ी है कि यार दिखा रहे हैं, ये वाला साड़ी पूरा पहन के दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है। आप लोग जरूर वो वाला ब्लॉग देखना जब मैं साड़ी पहनूंगी, कब पहनूंगी पता नहीं, पर मुझे तो अभी से ही पहनने का मन हो रहा है। तो साड़ी मुझे बहुत पसंद आया राजी जी बहुत, और वो ड्रेस भी मुझे बहुत पसंद आ गया। और ठीक है ये साड़ी दिखा दिया आप लोगों को, अभी क्या दिए है अभी कुछ ये क्या है इसके अंदर क्या है, मुझे गिफ्ट मिलने से इतना अच्छा लगता है ना, बाप रे क्या हो सकता है बोल तो ऐसा पैकिंग में। इसमें इसमें ये तो कप है, जब भी कोई ओकेशन रहता है मुझे मुझे कप बहुत पसंद आता है, मतलब नए नए कप पे मुझे कॉफ़ी पीना बहुत पसंद आते हैं। तो देखो क्या दे दिया आज का जो, तो फिर आज का जो ब्रेकफास्ट है मैं इसी में ही खा रहा था। अच्छा हुआ तो सुबह हम लोगों ने कुछ ये नहीं। हाँ अच्छा ही हुआ है अभी तक कुछ खाए नहीं। तो नए कप में हम वैलेंटाइन डे का जो कॉफ़ी है स्पेशल बनाएंगे वो वाला ही खाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये वाला कितने दिए हैं राजू जी, दो दो ही होगा, दो ही दिए हैं तो खा रहे हैं। तो गिफ्ट खोलना वो जल्दी जल्दी खोल सकते हैं, ये देखो ये जो कप दिए कॉफी पियेंगे जल्दी जल्दी। हाँ फटाफट गर्मा गर्म कॉफी बनाओ, ठीक है हो गया। ये वाला भी दिखाना टाइप कर दो राजा जी, अभी इस पे क्या है राजा जी, इतना कुछ दिया हो सोना, बाप रे कब खरीदा तुमने। सब मेरा 10-12 दिन से एक एक करके तैयार किए है। हाँ। उसके बाद सब एक साथ खड़े हैं, उसके बाद कटिंग किए हैं। सबसे पहले मेरे हाथ में लगे हैं देखो चूड़ी, अच्छा रेड मैचिंग करके दिए हो। सब मैचिंग मैचिंग होगा आज, इसलिए तो सुबह सुबह दोनों मैचिंग करके पहने हैं कपड़ा। रेड चूड़ी दिए हैं दादा जी ने, रेड वाला साड़ी के साथ पहने के। आज ये वैलेंटाइन डे में जो भी होगा सब मैचिंग होगा, ठीक है। ज्वेलरी भी दे दियो क्या, सब एक साथ ज्वेलरी है चूड़ी दिए हो। अब इसका अंदर क्या है देखो मेरे राजू जी, मेरे लिए कितने सारे गिफ्ट खरीदे, ये भी रेड होना था क्या, नहीं मैं तो पसंद, मतलब देखो मेरे राजा जी ने कैसे झुमके दिए है मेरे को साड़ी के साथ पहनने के लिए, बाप रे देखो राजा जी बहुत सुंदर है झुमका। अच्छा है ना। हाँ मुझे भी पसंद आ गया, जब गए थे तो ऐसे वैसे छूट रहा था तो मैंने बोला कि ये रेड वाला होने से अच्छा होता हो, बल्कि नहीं ये रेड नहीं होता है ऐसा ही ऑक्सीडाइज टाइप का। फ्रेंड्स झुमका देखो, हाँ हो गया झुमका, देखो ये ऐसे हाथ में पहनोगे तो ऐसे आवाज आएगा कि मुझे ध्यान रखेगा कि तुम कहाँ कहाँ हो।
रोना कितना कुछ कर दिया तुमने, कितना कुछ कर दिया झुमका। देखो मेरा झुमका देखो आप लोग, मुझे बहुत पसंद आया राजा जी साड़ी के साथ। तू बापरे क्या लगने वाली हुआ, सब लोग देखना जरूर सजने के बाद मैं कैसी दिखूंगी। हाँ ठीक है राजा जी, बहुत पसंद आया मुझे। वैलेंटाइन डे का फूल पैकेज है तुम्हारा? हाँ वैलेंटाइन डे या क्या है, बाप रे बाप, मतलब वैलेंटाइन में मैं क्या क्या पहनूंगी, कुछ दे दिया। अभी ये क्या है, अच्छा ये कमर में पहनने के लिए। हाँ गुड, मुझे लगा क्या तुम अगर गले में ना ले लो। नहीं नहीं ये कमर में पहनने के लिए, कमर में पहनने के लिए। हाँ सुंदर है, बहुत सुंदर है डिजाइन, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो फ्रेंड्स एटा क्या बोली, कमर बंद हो। हाँ कमर में बांधने के लिए साड़ी, साड़ी ऐसे फूल ना जाए इसको छाप के रखने के लिए। ये वाला अपना जो कमरा है, सॉरी अपना तुम्हारा जो कमर बोले मेरे कमरा निकल गया, कमर है तो इससे बांध के रखना तो अच्छा लगेगा, सेट लगेगा। अभी इसके अंदर ये वाला सेट दिए है। अच्छा फ्रेंड्स देखो राजू जी ने ये एक और सेट दे दिए है, ये देखो ये वाला। अच्छा ये वाला एक दिन मेरे को पसंद आया था, मैंने तुमको बोला था ये ऐसा गणेश वाला। हाँ गणेश वाला ऐसा नया नया मुझे, उस वक्त तो लिए नहीं हम। एक दिन बोले थे तुमको कि मुझे ये वाला डिजाइन बहुत पसंद आ रहा है, तब तो राजे जी नहीं दिए थे, देखो अब खरीद के दे दिए मुझे को। अच्छा ये मैं ये कौन सा पहनूंगी, ठीक नहीं है, झुमका वाला भी पहन सकती हूँ, ये वाला भी पहन सकती हूँ। बहुत प्यारा डिजाइन है, मतलब बेहद अच्छा लगा मुझे। अभी मुझे देखना पड़ेगा कौन से, मतलब कौन से वाला मैं पहनूंगी राजा जी। हाँ, दोनों दे दिए आपका जो ड्रेस है उसके संग पहन सकते हो, देख लेना। और बस हो गया खत्म, और कुछ है क्या ये? मेरे राजा जी मुझे कितना कुछ देते हैं बाप रे, मतलब पर ओकेशन पे मुझे कुछ ना कुछ मिलता है। ये वाला राजा जी मतलब ज़्यादा दिखाना पसंद नहीं करते, फिर भी मैं एक झलक दिखा देती हूँ दूर से ही। ये देखो मेरे लिए सैंडल भी आ गए हैं, ठीक है मैं दूर से ही दिखा देती हूँ। तो सैंडल भी आ गए हैं साड़ी के साथ पहनने के लिए। हाँ तो हो गया, तुम्हारा टॉप टू बटम जो है पूरा पूरा सजा दिए मुझे राजा जी ने, जो जो दिया है वो सब मिला के ऐसे सज लेना, ठीक है शाम को। बाप शाम को? हाँ तो अभी सजना है तो अभी सज लो, तुम्हारा तो टाइम लगेगा। नहीं 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 मतलब इतना सब कुछ पहन के मैं घर पे नहीं रहने वाली हूँ, मतलब मैं बता रही हूँ थोड़ा सा मेरे पैर मतलब दर्द हो रहा है अभी थोड़ा सा, ये सब हटा के मैं मिलती हूँ फ्रेंड लोगों के साथ। आप लोगों को तो गिफ्ट दिखाई दिए हैं राजा जी ने मुझे वैलेंटाइन डे पे क्या क्या दिए हैं, मुझे तो बेहद पसंद आ गए सब कुछ। अभी मेरा मन हो रहा है कि राजा जी आप मैं ये सब पहन के घर पे नहीं रहने वाली हूँ। क्या मतलब घर पे नहीं रहने वाली? नहीं मतलब तुमने बोला ना कि शाम को ये पहनेंगे। हाँ, हमने बोला शाम को एक ड्रेस पहनना और रात को एक ड्रेस पहन लेना, फिर हम लोग थोड़ा रील्स वील्स बनाएंगे घर। नहीं नहीं रील्स वील्स ये सब नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं घूमने के लिए। कहाँ जाएगा, अभी टाइम ही नहीं है अभी घूमने के लिए। क्यों टाइम नहीं है, अभी तो सुबह है। सुबह है फिर खाना बनाना पड़ेगा, फिर अभी सुबह का नाश्ता भी नहीं हुआ। नहीं मुझे नहीं पता, मुझे घूमने जाना है। ठीक है बाद में देखेंगे, अभी कुछ बोल नहीं सकते फिलहाल तो। अभी नहीं बोल नहीं सकते, ऐसा नहीं है, लेकर ही जाना पड़ेगा। मैं सच सच के बाहर घूमने जाऊंगी, बस जाऊंगी। ठीक है थोड़ा टाइम दो मुझे। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं राजा जी के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, इनको कैनोपी में ब्रेकफास्ट देना है मुझे। तो जल्दी जल्दी जाओ कुछ बना के लाओ, ज़्यादा कुछ नहीं है, वो जो कॉफ़ी का कप
खरीदे है ना हाँ, वहाँ पे ये कॉफी बना के लाना। हाँ हाँ ठीक हाँ, है बस यही, और एक 20-25 देर से हो जाएगा। ठीक है फिर मैं थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट बना के आप लोगों के साथ मिल रही हूँ डायरेक्ट कैनोपी में। तो फ्रेंड्स मैंने ब्रेकफास्ट बना लिए है और ये जो सारे गिफ्ट दिखाए थे वो सब यहीं पे ही है अभी, और राजा जी को जो है कैनोपी में बिठा दिए हैं, वो तो ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ गए हैं। तो मुझे तो बहुत खुशी मिल रही है कि जैसे मैंने सोचा था सुबह से वैसा ही सब कुछ हो रहा है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रही हूँ। अभी चलो आप लोगों को दिखाते हैं राजा जी कैसे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ठीक है चलो। तो फ्रेंड्स देखो राजा जी जो है बैठ गए हैं, घुस गए हैं कैनोपी के अंदर, अभी ब्रेकफास्ट करेंगे और बहुत ही अच्छा फीलिंग्स आ रहा है। इतना अच्छा लगा कि क्या बताएं, ऐसा लगा कि बाहर कहीं गए हैं, आज घर में है ही नहीं बाहर गए हैं। और यहाँ पे वो लाइटिंग वगैरह पुराने सेट किया है, वो तो अभी तो सुबह का टाइम है, अभी लगाए नहीं, वो रात को लगाएंगे, रात को लगा लेना तो फिर और भी अच्छा लगेगा। हाँ तो देखो जी मेरा जो मतलब इस साल का वैलेंटाइन डे पे जो मेरा विश था वो पूरा हो गया है कि मैं ऐसे ही राजा जी को जो है कैनोपी के अंदर बिठा हूँ और सामने ऐसे उनका मनपसंद जो खाना है ब्रेकफास्ट है वही उसके लिए रखूँ। तो राजा जी मेरा विश जो है पूरा हो गए है। हाँ बहुत अच्छा फील हो रहा है। हाँ जल्दी आ जाओ बहन जाओ। हाँ ये कर पाके तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये देखो मैंने राजा जी को क्या क्या दिए हैं, इधर दिए हैं ब्रेड, एग और कॉफ़ी और बिस्किट। ठीक है तो राजा जी हाँ शुरू करते हैं, आ जाओ जल्दी। हाँ भर गया। बिस्कुट अलग से क्यों रख दी हो, नहीं खाना है तो मुझे दे दो तो।
कार्बोरेटर मिक्स की है ना, तो मैं लास्ट में था। वाह वाह, मतलब रख रख के एकदम लास्ट में इसका टेस्ट लो। हाँ ठीक है खाओ, मुझे लगा खाओगे नहीं तो मैं खा लेता। नहीं ये मार्किस विस्की था, मैं बहुत पसंद आ रहा है। अच्छा है वैसे, तो मैं इसको लास्ट खाऊंगी। ठीक है खाओ। तो फ्रेंड्स हमारा ब्रेकफास्ट जो है कंप्लीट हो गए है, और मैंने क्या बोलूँ, जैसा चाहा था मॉर्निंग से वैसे ही हो रहा है सब कुछ। मेरा सुबह तो बहुत अच्छा गए है, अभी देखते हैं पूरा दिन हम क्या करते हैं ना करते हैं। लेकिन गाइस ये जो ब्लॉग है हम यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, पर राजा जी हमें कहाँ पे लेके जा रहे हैं या नहीं लेके जा रहे हैं, मतलब अभी से लेके रात तक हम क्या क्या कर रहे हैं वो सब हम नेक्स्ट ब्लॉग पे शेयर करेंगे। ठीक है अभी के लिए ये ब्लॉग इतना ही। ये ब्लॉग जो है अभी यहीं पे ही खत्म। अभी हाँ। जो है हम दोनों कैनोपी के अंदर बैठेंगे, थोड़ा सुबह की बात करेंगे। हाँ आगे का जो जितना भी वैलेंटाइन डे गया हम लोग का उसका थोड़ा रिकॉल करेंगे, मेमोरी जो है रिकॉलिंग करेंगे। ठीक है तो फिर देखते हैं और भी कुछ अगर होगा इस डे पे तो वो भी शेयर कर देंगे आप लोगों को। सब कुछ शेयर करते रहेंगे रात तक जो जो हम कर रहे हैं। और हाँ वो साड़ी पहन के मैं कैसे भी कर रही हूँ, अगर कुछ भी नहीं भी करे तो साड़ी पहन के वो आलू कैमरे के सामने आ जाएगी। नहीं करना है राजा जी का ही पे लेके जाना है। देखते हैं अभी वही दोनों बैठ के डिसाइड करेंगे कि अभी इतना अच्छा सुबह गया तो देखते हैं बाकी का दिन क्या कर सकते हैं। फिलहाल ये ब्लॉग यहीं पे खत्म, और बाकी का अगर कुछ होगा तो शेयर कर देंगे। ठीक है जी अभी बहुत जल्दी मिल रहे हैं नेक्स्ट ब्लॉग के, तब तक के लिए।